चलो आज हम लोग जो है पढ़ेंगे श्वसन के बारे में, रिस्पायरेशन के बारे में कि रिस्पायरेशन क्या है, रिस्पायरेशन की क्रिया कैसे होती है, इसे हम आज संक्षिप्त में समझेंगे कि रिस्पायरेशन क्या। श्वसन अंग्रेजी में इसे रिस्पायरेशन कहते हैं। मानव में श्वसन अर्थात मनुष्य में श्वसन की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, श्वसन किसे कहते हैं। तो बाहरी वातावरण से हम लोग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य गैस जो मिश्रित होती है, मिश्रित हवा के रूप में हम लोग क्या करते हैं, नाक द्वारा श्वास लेते हैं। लेकिन श्वसन में सिर्फ ऑक्सीजन ही क्या होता है, उपयोग किया जाता है, बाकी फिर उसे हम बाहरी वातावरण में छोड़ देते हैं। तो बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर, बाहरी वातावरण में हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं नाक द्वारा, नाक से फिर वह आता है श्वास नली में, श्वसनिका में, इसी तरह होते हुए वह फेफड़ा में पहुंचता है और फेफड़ा में बहुत सारे वायु कोष्ठ होते हैं, एयर ब्लैडर होते हैं। और वायु कोष्ठ जो होता है, वायु कोष्ठ के पास यानी वायु कोष्ठ के संपर्क में रक्त वाहिनियां होती है, ब्लड वेसल्स होते हैं। और रक्त वाहिनियां में रक्त भी होते हैं और उस रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह भी होता है। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है और हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को अपने साथ बांधने और छोड़ने का गुण पाया जाता है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड को भी बांधने और छोड़ने का गुण पाया जाता है। तो बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर उसे फेफड़े तक पहुंचाया जाता है और फेफड़े से हुआ जो एयर ब्लैडर से विसरण की क्रिया द्वारा हुआ रक्त वाहिनी में जाता है और रक्त वाहिनी में मौजूद हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को अपने साथ बांध लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है अर्थात शुद्ध रक्त बनता है। यानी अगर रक्त में ऑक्सीजन मिला हुआ है तो वह रक्त शुद्ध रक्त कहलाता है, उसको ऑक्सीजनित रक्त भी कहते हैं। तो ऑक्सीजनित रक्त वह जो है फुफ्फुस शिरा द्वारा फेफड़ा में फिर जाता है, यानी फेफड़ा से हृदय में जाता है, फुफ्फुस शिरा द्वारा फेफड़ा से हृदय में जाता है और हृदय से फिर यह महाधमनी होते हुए वह निकलकर शरीर के प्रत्येक ऊतक, प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचती है और कोशिका में क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है, रिलीज कर देता है और वह ऑक्सीजन जो है कोशिका में मौजूद कोशिकीय ईंधन जिसे ग्लूकोज कहते हैं, वह ग्लूकोज हम भोजन द्वारा प्राप्त करते हैं, भोजन द्वारा हमें प्राप्त होता है ग्लूकोज और वह ग्लूकोज कोशिका में मौजूद होता है। तो वह जो ऑक्सीजन कोशिका में पहुंचा वह खर्च होता है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ऊर्जा रिलीज होती है। तो ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण हुआ उसके फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, उस कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन फिर अपने साथ बांध लेता है और बी ऑक्सीजनित रक्त अर्थात कार्बोक्सीजिनेटेड ब्लड बनाता है और जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता हुआ अशुद्ध खून कहलाता है, इम्प्योर ब्लड कहलाता है और उस कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित रक्त को शिराएं द्वारा हृदय में पहुंचाया जाता है और हृदय से फिर जो है फुफ्फुस धमनी द्वारा दोनों फेफड़ों में जाता है और फेफड़ा में जाकर के हीमोग्लोबिन उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है अर्थात छोड़ देता है जो विसरण क्रिया द्वारा एयर ब्लैडर में जाती है और एयर ब्लैडर से फिर श्वसनिका, श्वास नली होते हुए पुनः बाहरी वातावरण में उसे छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर फेफड़े तक पहुंचाया जाता है, फेफड़े से फिर वह शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक जाता है और वहां जो ऑक्सीजन है वह ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में खर्च होता है और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो CO2 बनता है वह पुनः फिर जो है शिरा द्वारा हृदय में, हृदय से फिर फेफड़ा में आता है और फेफड़ा में आकर के वह फिर श्वसनी और श्वसननली होते हुए नाक के छिद्र द्वारा फिर बाहरी वातावरण में छोड़ दिया जाता है। तो यह जो पूरी क्रिया हुआ, ऑक्सीजन को ग्रहण करना, CO2 को बाहर छोड़ना, पूरी जो क्रिया हुई इस क्रिया के सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं।
तो श्वसन का मतलब पूरी हुआ कि बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और उसे फिर फेफड़े तक पहुंचाना, फेफड़ा से फिर शरीर के प्रति कोशिका तक पहुंचाना और कोशिका में वह ऑक्सीजन ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में खर्च होना और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होना, उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर फेफड़ा तक लाना और फेफड़ा से फिर पूरी उसे पूरे अति बाहरी वातावरण में छोड़ दिया जाना, इन सभी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को ही श्वसन या रेस्पिरेशन कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।